What's up everybody, welcome back to our all new Palwal video. तो आज के वाले एपिसोड में हम ब्रीड करने वाले हैं आप सबकी डिमांड पे, क्योंकि हमको हरानी है बैलन और लिब्रो अल्ट्रा को, और उसके लिए हमको बनाने पड़ेंगे फायर टाइप के पैस, क्योंकि वो बाद में आइस में कन्वर्ट हो जाती है. हमने 15 जेड ड्रैगन तो बना दिए एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट. तो आज के वीडियो में बनाने वाले है 15 ब्लेजमत, यस 15, जिसके लिए उसमें हमको पैसिव स्किल्स चाहिए, जो की है सबसे पहले लेजेंड, फ्लेम एम्परर, मसल हेड एंड फिरोशियस. ये चार पैसिव स्किल्स हमको उसमें चाहिए ही चाहिए. एंड दूसरा ब्लेजमत को बनाने के लिए हमको सबसे पहले सुजा को बनाना पड़ेगा. तो हम ब्लेजमत एंड शैडोबिक को ब्रीड करा के जो चारों के चारों पैसिव स्किल्स है, लाइक हमारे पास जो काली है ना शैडोबिक, उसके बाद लेजेंड, असलेड एंड फिरोशियस, तीनों के तीनों एबिलिटीज जो हमको चाहिए. एंड ब्लेजमत के पास फ्लेम एम्परर है, तो ये चारों की चारों एबिलिटीज हमको सुजा को में मिल जाएगी. उसके बाद हमको सुजा को बेलेनोर, जो नॉर्मल वाली बेलेनोर है, उससे ब्रीड करके हमको मिल जाएगा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेजमत. सो या आज का यही है, तो यही हम करने वाले, बट बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि 15 बना रहे टोटल, हम 15 स्ट्रॉन्गेस्ट जैसे कि तुमने सुना. तो उसके लिए हमको अराउंड 1800 एग्स चाहिए, मतलब 1800 ब्लेजमत चाहिए. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से गेम के अंदर चलते हैं. तो सबसे पहले मेरे पास एक ही जोड़ी पड़ी है, लाइक ये दोनों, ये जो ब्लेजमत है जिससे मेरे को फ्लेम एम्परर मिलेगा, और अपना काली जिससे लेजेंड, मसलेड एंड फिरोशियस मिलेगा. इन दोनों को सबसे पहले पार्टी में ले लेते हैं. केक्स तो पड़े मेरे पास, उसका दिक्कत नहीं है, इसको रखते हैं इधर. अच्छा उधर नहीं, इधर ब्रीड करना है, रुक जाओ भाई. क्या चलता है बे, बहुत फ्लेक्सी दिखता है ये. हाँ हाँ गुस्सा मत कर. अबे कुछ दिख नहीं रहा है आगे का. ओके मेल फीमेल ही है ना. ओके इन दोनों का ब्रीड चालू हो गया. एक बार चेक करते हैं कि अपने पास दूसरा ब्लेजमत है क्या. नहीं है ना, वही तो दिक्कत है, दूसरा ब्लेजमत नहीं है. पर दूसरा अपने पास शैडोबिक होगा पक्का. हाँ दूसरा शैडोबिक है अपने पास. ओके तो जब तक ये लोग ब्रीड कर रहे हैं तब तक मैं एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है. तो ये रहा अपना फर्स्ट वाला बैस, जो बेस की हालत अभी रहने लायक रही नहीं है. तुमने देखा होगा बेलेनोर ने हमारे बेस की वार्ड लगा दी थी, मैंने सारा सामान इसमें इकट्ठा कर दिया है. एंड अभी हम जो नया बेस बनाने वाले है वो हम यहाँ पे बनाने वाले, क्योंकि ये जगह काफी सही है. अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, बस सोच रहा हूँ कैसा बेस बनाऊंगा. बट हाँ इस वाले एरिया पे हम बहुत ही जल्द, आई गेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड तक बन जाएगा. तो लेट्स सी फटाफट से बेस बन जाए. मैं अभी आइडिया सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ बेस में, ठीक है. ओके अभी मेरे को जाना है वापस इस तरफ. आई गेस ये लोग ब्रीड में टाइम लगाएंगे ना, तो एक काम करते ना, एक बार ब्लेजमत को मार के ही आ जाते हैं. अपने पास नो वाइट है ही, ठीक है. किधर गया ब्लेजमत? पर ब्लेजमत का ना गुफा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिक्कत नहीं है, हमारे पास मकारी है, हम ऐसे मार लेंगे उसको, मतलब ढूंढ लेंगे, समझ रहे हो. ये जगह भी मेरे को सही लगती है बेस बनाने में. क्या लगता है दूसरा बेस इसे बनाए, उसके लिए भी दिमाग लगाना. अरे तू नहीं, तू आ जा. मकारी पे बैठेंगे, इस तरफ जाना है. इसकी गुफा कहाँ है? यही एक दिक्कत वाला काम है, मेरे को जल्दी से केव मिलती नहीं है. है तो इधर ही इसका, पर केव कहाँ से जाएगी वो देखना पड़ेगा मेरे को. इस तरफ तो नहीं देख रही, मतलब है कहीं पे इस तरफ आई गेस. ये कुछ ज्यादा दूर हो गया. ओ ये कौन सी केव है? अरे ये तो डंजन है. गाइस मैं फटाफट से मिलता हूँ केव को ढूंढने के बाद, क्योंकि केव ढूंढने में थोड़ा सा मैं कच्चा हूँ. तो केव मिलती है, मतलब क्या बोलते हैं इसका, जगह मिलती है एंट्रेंस, उसके बाद में मिलता हूँ, ठीक है. ओके आई फाइनली फाउंड द केव. यार भाई मेरे को कब से नहीं मिल रही थी, कितनी मेहनत की है, मैं भूल गया था इसको, क्योंकि मैंने एक ही बार मारा है इस ब्लेजमत को, उसके बाद में आया ही नहीं इधर. तो जिसको भी जानना है इसकी केव अराउंड इस तरफ है, एकदम नजदीक में ही है, इधर से कहीं से है, ठीक है. अभी हम जा रहे हैं ब्लेजमत का पकड़ने के लिए, सॉरी और कुछ नहीं बोल रहा भाई, बहुत अंधेरा है. पर बाय द वे इधर ऐसे ही पकड़ लो क्या, ये किरमाडा को निकालो. दो तीन बरसात आएगी, मर जाएगा ब्लेजमत. रिंग ऑफ मर्सी पहन लेंगे हम. ये अटैक नहीं कर रहा है बाय द वे, मैं ही मार लेता, रुक जा. यू कांट किल मी बड़ी, आई एम मोर देन पावरफुल. हाँ मार चला ले, कुछ भी कर ले तू. ये लास्ट वाला मुक्का 1 HP हो गया रे देवा, आजा. अरे अरे 1 HP है भाई तू, आजा. यस फ्लेम एम्परर पॉजिटिव थिंकर, लेट्स गो गाइस. फटाफट अपना बेलेनोर भी अपग्रेड हो रहा है, लेवल 33 हो गया, जो नॉर्मल लिब्रो था अपने पास वो वाला. तो एक काम करते हैं फटाफट से बेस पे चलता हूँ, देखते हैं ब्रीडिंग का क्या हुआ, एक दो एक आ गए होंगे शायद अभी तक, लेट्स गो. इन दोनों ने दो एग्स दे दिए ऑलरेडी. फटाफट से मैं काम करता हूँ, सुबह करके मिलता हूँ, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, अंधेरा अंधेरा है सब जगह पे. एक काम करते हैं फटाफट सुबह हो जाए, लेट्स गो. कम ऑन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इस बार, फटाफट से गिव मी द एग. दोनों अंडे में से हो जाए तो बढ़िया रहेगा भाई, लिटरली. लेट्स गो फिरोशियस. ओके
मसल हेड। अरे यार एक एक करके दे रहे, ये अलग लॉन्ड है। ओके तो गाइज मैं ओके तो अब ये काम करते हैं हम फटाफट से अपना ब्लेज़र मत जो नया वाला मिला है लाइक किधर गया, हाँ ये वाला। इसके साथ ये है फीमेल और अपना शेडो बिक मेल। हाँ ठीक है तो मिलते हैं गाइज फटाफट से, जैसे ही हमको अपना पावरफुल मतलब जो भी हमको शेडो बिक चाहिए वो नहीं मिलता। मैं 4-5 अंडे का वेट करूंगा, उसके बाद अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अरे इधर ब्रीड नहीं करना है सर, उस तरफ ब्रीड करना है। कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो। चलो फटाफट से मिलते हैं 5-6 अंडे होने के बाद। गाइज मैंने जस्ट अभी 2-3 अंडे ओपन किए और मेरे को 2 एग्स में से तो मिल गया। ओके इसमें फिरोशियस है और इसमें लकी है। कोई ना अपना काम हो गया है। ठीक है अपने को 2 एग्स में से जो चाहिए वो स्किल साइकिल मिल गई। कहाँ पड़ा है मेरे को वो देखना पड़ेगा। ये देख रहे हो इसके पास मसल हेड लेजेंड फ्लेम एम्परर एंड फिरोशियस, ये एक वाला मिला था, इसको सेपरेट करते हैं। और दूसरा ये वाला पता नहीं बाकी भी हो गए 2-3। हाँ ये वाला इसके पास भी लेजेंड फ्लेम एम्परर फिरोशियस और मसल हेड, ये 2 है जो हमारे प्रॉपर वाले हमको मिल चुके हैं। बाकी इनका कुछ काम नहीं है, इनको हटा दो। ठीक है अभी हमको चाहिए ये दोनों, इन दोनों को हम ब्रीड करवाएंगे फटाफट से लाइक ये दोनों ही। अरे यार दोनों मेल है। ठीक है इन दोनों को लगेंगे। अभी इन दोनों को हमको ब्रीड करवाना है बेलनोइड से ताकि हमको जो ब्लेजर मत में वो चारों की चारों पैसिव स्किल्स चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है तो फटाफट से हम ब्लेजर भाई मैं ब्लेजर मत बेलनोइड में इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। ओके बेलनोइड को ऐसी स्किल देंगे जो की ओके इसका सही है ना मसल हेड। अभी इसको रखेंगे यहाँ पे। ओ चचा व्हाट आर यू डूइंग कम हियर ना भाई। बेलनोइड नॉर्मली कितनी छोटी लगती है यार, कुछ ज्यादा ही छोटी है। तो भी आ जा तेरे को बगल में ही लगा देंगे मैं, टेंशन मत ले। एक और बेलन निकालनी पड़ेगी, फीमेल ही है मेरे पास सारी बेलन तो दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जिसके पास कोई स्किल्स हो जो लग सकती है सही वाली। हाँ ये फिरोशियस वाली ये तो सुजाक हुए यार। आई गेस मेरे को वाटर प्रूफ ही लगाना पड़ेगा, इसको लगाते हैं यहाँ पे। अभी इन दोनों को ब्रीड करने देना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा ताकि मेरे को मिल जाए बहुत ही ज्यादा ब्लीजी मत। ठीक है भाई मेरे से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है तो अभी तो दोनों तरफ सिर्फ 2-2 ही एग्स रेडी हुए हैं। इन दोनों को फटाफट ओपन करते हैं भाई, लेट्स होप यार जल्दी मिल जाए यार। अरे यार जो चाहिए वही दो, लेजेंड फिरोशियस मसल हेड। अरे यार एक ही चीज फ्लेम एम्परर फिरोशियस आर्टिसन नहीं चाहिए यार, क्या बात करते हो तुम लोग, सिर्फ लेजेंड। आई गेस मुश्किल वाला काम है ये। ठीक है बट अपना एक चांसेस हो गया, ये जो मिला ना अपने को जिसमें लेजेंड फिरोशियस एंड मसल हेड है, ये फीमेल और ये मेल। ठीक है फ्लेम एम्परर और ये तीनों वाले। ठीक है तो जितना हो सके उतने जल्दी हमको पैसिव स्किल्स वाले चाहिए तो हम लगाते रहेंगे फटाफट। तो भी आ जा भैया इधर, मैं मिलता हूँ अभी 2 घंटे के एफके के बाद। सी यू आफ्टर सम व्हाइल। व्हाट्स अप गाइस। भाई मैंने ना मैं देखा मेरे को रिकॉर्डिंग चालू होगा बट अभी जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ मेरा रिकॉर्डिंग बंद था। बट मैं दिखाना चाहूंगा मेरे को ना ब्लेजर मत सही वाले मिले, मैं दिखाता हूँ। और अभी ये जो कुछ अंडे मिले रुक जाओ इसको भी ओपन कर लेता हूँ फटाफट से। लेट्स सी अभी ये 4 अंडों में से क्या मिल रहा है। ओके लेजेंड मिला है, लेजेंड के बाद फिरोशियस। अरे यार कभी कभी बहुत सही मिल जाता है, जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तब प्रैक्टिस मिलता है। बट हाँ ओह ये ओह शिट भाई डाइट लवर वैनगार्ड कहां से आया यार, मैं खुश हो गया। लेजेंड फिरोशियस मसल हेड दैट्स गुड यार दैट्स गुड। मेरे को 2 ये वाला एंड ये वाला मतलब लाइक अल्फा पैल मिला है जो कि बहुत मुश्किल होता है जो कि मेरे को मिल गया है। तो अभी जो बाकी बच्चे है ना लाइक किधर गए, हाँ ब्लेजर मत अभी मैं 2 और लगा सकता हूँ। तो मेरे पास एक ये वाला है इसको रख लेते हैं एंड इसके साथ ये वाला ज्यादा सही रहेगा 3 एबिलिटीज वाला। आ जा बड्डी कम ऑन ए रुक जा। हाँ सही घुमा है, उठाता हूँ ना करके गुस्सा हो जाता है भाई ये। तो अभी लगाऊंगा इसको इधर। अभी एक लास्ट जगह बची है जिधर हम लगाना चाहेंगे लेजेंड मसल हेड फिरोशियस फ्लेम एम्परर, इसको रखते हैं। एंड दूसरा कोई है क्या, लेजेंड फ्लेम एम्परर मसल हेड फिरोशियस एक और है मेरे पास। सबसे पहले ये फीमेल है और ये मेल है, इसको इसके साथ रख देता हूँ। इसको डालते इसके अंदर, इसको डालते इसके भी अंदर। अभी क्या करता हूँ इन दोनों को भी चेंज कर दूँ क्योंकि ना थोड़ी एबिलिटीज अलग होने के कारण ना ये भी सही नहीं दे रहे मेरे को। तो इन चारों को अभी के लिए हटा रहा हूँ मैं और मेरे को जो दूसरे मिले हैं लाइक एक था ना हाँ लेजेंड फ्लेम एम्परर फिरोशियस मसल हेड इसको जो कि मेल है एंड हाँ ये फीमेल है ना, इन दोनों को हम ब्रीड पे लगा देंगे। ठीक है इधर ही रहे, इधर 3-3 क्या कर रहे हो सर वापस आओ। ओके ये भी रख दिया इधर।
अभी लास्ट पैर बचा है जिसमें आई गेस मैं रख सकता हूँ ये फ्लेम एम्परर, मसल हेड एंड लेजेंड। ठीक है, एक ये हो गया जिसको थोड़ी देर के लिए सेपरेट करता हूँ, और दूसरा मेरे पास कोई है फिरोशियस वाला, मेरे को चाहिए कुछ भी करके। आई गेस मेरे को यही वाला फिरोशियस रखना पड़ेगा, बट अगर मेल फीमेल का डिफरेंस हुआ तो लोचा हो जाएगा। आई न्यू इट, तीनों मेल है, ये वाला है ना ये मेल है, इसके साथ फीमेल रखना पड़ेगा, जबकि मेरे पास सारे मेल है। ब्रो दैट्स नॉट गुड। गाइस एक काम करते हैं यार, मेरे पास जैसा ही फीमेल आ जाएगा ना मैं उसको भी उधर लगा दूंगा, एंड अभी मैं मिलूंगा तुम सबसे डायरेक्ट जब मेरे पास ना ये सारे कंटेनर भर जाएंगे, दूसरे इधर बीच में भी रख दूंगा, अराउंड 1000 या 400 रेडी हो जाएंगे ना, तभी मैं मिलूंगा, क्योंकि मेरे को अराउंड ना 12 या 16 घंटे मेरे को गेम में AFK जाना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे लंबे से ब्रेक के बाद, ठीक है, सी यू इन अ व्हाइल। What's up guys? Welcome back. भाई मैं पूरे ना दो दिन से इस गेम में AFK, ठीक है, ये डब्बों को इग्नोर मारना, ठीक है, मतलब इग्नोर तो क्या ही मारना, इन सब में तुम देखोगे ना भाई, सब में अंडे भरे हुए ये ब्लेज़र मुत के, ठीक है, और इन सब में अंडे भाई, सब में मेरी हालत पतली होने वाली है एग्स को कंडेंस करने में, कंडेंस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इनक्यूबेट करने में मेरी वाट लगने वाली है, मैं भूल भी गया क्या बोलते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से एग्स लेना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ओके okay, और मैंने ना अपना इधर से ही दिखा देता हूँ, तुम देखोगे तुमको सिर्फ ये मेरे ब्लेजमो दिखेंगे जो मैंने कुछ ओपन करके रखे, बाकी पूरा खाली है। मैंने वही ट्रिक जो जेट ड्रैगन में की थी ना, सेम टू सेम मैंने उनको केज में रखा, फिर केज तोड़ दिया तो वो सर्कल में सारे मेरे दूसरे बेस पे पड़े हैं, तो वही चल रहा है काम। तो अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं इनक्यूबेट करने का। वैसे तो अपने को ना इसमें से जितने चाहिए ना 7-8 तो रेडी है, सो लेट्स सी अभी इसमें से कितने मिलते हैं। भाई कुछ कुछ तो ऐसे गंदे गंदे मिल रहे हैं ना, ऑलमोस्ट मेरे को मिल गए जितने चाहिए उतने, पर बाकी इतने टट्टी मिले ना, देख रहे हो मैंने इधर से आधे उठा लिए एक बार, फिर भी इतने ज्यादा फिर से आ गए, सही है यार। और इधर देखोगे तुम भाई मेरे को काफी अल्फा पेल्स भी मिला है, तो बहुत सही मिले भाई, बहुत ही सही। तो अभी टाइम आ गया है कंडेंस करने का, मेरे पार्टी में मैंने ऑलमोस्ट 3 तो लेके रखे है, लाइक इसका तो क्योंकि फिरोशियस मसल हेड लेजेंड एंड फ्लेम एम्परर 188 अटैक 733 डिफेंस 582 हेल्थ एंड दूसरे का 190 73, इसका 173, ठीक है, इन तीनों को अभी हम कंडेंस करने वाले, बट कंडेंस है ओ ये रहा, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं इससे। ओके हमारा फर्स्ट ब्लेसम हो चुका है 4 स्टार, इस टाइम फॉर सेकंड वन, पर अभी जो है उनका काम चालू करते हैं। ओके सेकंड वन भी हो चुका है, इट्स टाइम फॉर थर्ड वन। ओके ये भी हो चुका है, अभी अपने पास कितने बचे हैं, हम एक और को कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाले को करते हैं, एक 197 इसको करते हैं, ठीक है, ओके लेट्स गो। 4 टोटल कंडेंस हो चुके हैं अपने, एंड अभी मैं बताऊं ना ऊपर के अभी काफी बाकी है, तो ऊपर के भी करने पड़ेंगे मेरे को, बट अभी जो बन चुके हैं ना उनको हम रखेंगे एकदम लास्ट में, लाइक 1 2 3 और हाँ ये 4। ओके मेरे पास अभी टोटल हो चुके हैं 5, यहाँ पे है 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मेरे को एटलीस्ट अभी भी ना इनमें से एक चाहिए, ठीक है, एक ब्लेज़म चाहिए एंड फिर अपने 15 हो जाएंगे। वैसे हमने 4 तो कंडेंस कर दिए, बाकी बचे तो फटाफट से गाइस मैं मिलता हूँ सारे अंडे ओपन करके और सारे एग्स को कंडेंस करने के बाद, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं मिलता हूँ सीधा 15 ब्लेज़म के साथ, ठीक है, सी यू आफ्टर व्हाइल। ओके तो गाइस हमारा फाइनली कंडेंसेशन मतलब ब्रीडिंग का काम यहाँ पर खत्म हो रहा है। तुम सोचो कि इसको लास्ट वाले को इतना कम क्यों रखा, क्योंकि ऑलरेडी ना हमारे 15 हो चुके हैं, आई गेस 15 से भी ज्यादा, बट जो बचे कुछ थे ना उसके लिए हमने, लाइक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 थोड़ा आधा, तो इतने हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अभी बारी है हमको अपने पुराने बेस में जाने की, आई गेस उधर ही अपना स्टैच्यू पड़ा होगा, आई गेस देख रहे हो इधर सारे के सारे मेरे पैल्स बिखरे पड़े हैं, इधर एक स्टैचू बना लेते हैं फटाफट। भाई मेरे घर की हालत देख रहे हो तुम लोग, हा बहुत सही हालत है। अभी फटाफट से 5 को हाथ में ले लेते, अरे इधर नहीं रखना है, इधर 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 इधर, ठीक है मेरे पास। ओके सोल इतनी तो पड़ी है, मैं दूसरी लेके आया था मीडियम सोल, अगर कम पड़ेगी तो मैं मीडियम को वापस कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को बढ़ानी तीनों चीजें, ठीक है, अटैक डिफेंस एंड हेल्थ, तो जिसमें ज्यादा सोल्स लगती है।
ये काम में बहुत टाइम लगता है यार, एक एक करके करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने चीज नहीं दिखाई नहीं यार, जैसे कि हमारी नॉर्मल पहले ना लेवल 1 4 स्टार, इसकी अटैक है 227, डिफेंस है 87 और हेल्थ है 682। अगर इसको हम 4 स्टार के साथ इनहेंस भी करते हैं ये सोल्स के साथ, तो अभी हमने एक जस्ट को किया, देखते हैं उसका क्या है। इसका 227 से 292 अटैक किया है, डिफेंस 87 से 112 चला गया है एंड हेल्थ 682 से 900 चली गई है। सो दैट्स ग्रेट, काफी सही चल रहा है। और अभी मेरे को टोटल 15 के ऊपर करना है। ओके, इधर एक आ चुकी है दिक्कत, क्योंकि हमारी स्मॉल पायल सोल खत्म होगी, ऑलमोस्ट लार्ज भी खत्म होगी है। तो इसको करने के लिए राइट नाउ मेरे को एक चीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि उधर तो टूट चुकी है, जो कि है आई थिंक क्रशर बनाना है। यप, क्रशर बनाना है। एंड वेयर इज माय अनुबिस, फटाफट से बना दे ब्रो। और इधर स्मॉल पैल सोल चाहिए मेरे को, 50 के अराउंड दे दे, 100 हो जाएगी ना। पर इसको बनाने के लिए जर्मन टाइट चाहिए, जो कि मेरे इसमें से किसी में है। भाई इसमें से ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा यार। एक काम करते हैं, सारे को उठा ही लेता हूँ मैं फटाफट से। गाइस मैं फटाफट से इन सबको उठा लेता हूँ, क्योंकि जर्मन टाइट तो इसके अंदर ही है ना, तो उठाना तो पड़ेगा यार। ओके, तो आई गेस ये वाला लास्ट हो है। ओके आ गए। वेयर इज माई जर्मन चाइल्ड, ये रहा ना लेवल 50। हाँ बड़ी जल्दी से काम पे लग जाए यार। Yeah, let's go. भाई इसका स्पीड तो है रे, देख रहे हो तुम। ब्लेजमत का भी लेवल अप हो रहा है फटाफट। आइए मेरे को लेवल 50 भी करना है अभी मेरे को। ओके, अभी मेरे को थोड़ी ये लार्ज चाहिए, ये भी अराउंड 50 ले लेता हूँ। जब तक ये आ रही है ना, तब तक जितना है उतना तो काम चालू कर दूं मैं। ओह शिट, ये तो मेरी नॉर्मल सोल ही खत्म हुई। तो आई गेस ना अभी मैं दूसरे किसी को बढ़ा नहीं सकता। लाइक एक ये कम्प्लीट है, ये ये ये, और इसमें थोड़ा सा बाकी है, बाकी सब ये भी तो है ही, जिनमें मेरे को अभी सोल्स लगानी है। तो हाँ मेहनत तो है रे, बट वी कैन ट्राई वन थिंग। इसको अभी के लिए मैं इधर तोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी यह होने वाला है इधर महायुद्ध। मेरी सारी चीजें कहाँ पड़ी है? ओके, उस बेस पे पड़ी है। गाइस मैं मिलता हूँ फटाफट से आप सबको इधर में थोड़े टाइम में। अभी हम चेकिंग करने वाले हैं अपने जेल ड्रैगन और ब्लेजर मत से कि हम बेलेन और लिब्रो, नॉर्मल लिब्रो को कैसे हरा पाते हैं, क्योंकि अल्ट्रा में अभी ट्राई नहीं कर सकते, पर लिब्रो को हराने का कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। सो गिव मी 2 सेकंड्स, आता हूं मैं फटाफट। गाइस आर यू रेडी? अभी हम फाइट करने वाले हैं बेलेन और लिब्रो से। अभी हम स्पॉन करवाएंगे, इसको रखेंगे एकदम कोने में। अनुबिस आजा काम पे। अभी इसको इसके अंदर रख देते हैं, पर अभी रुक जाओ, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले मेरे को ये वाले जेट ड्रैगन निकालने हैं, एंड उसके बाद मेरे को ब्लेजमत निकालना है, ठीक है। तो फटाफट से जेट ड्रैगन निकालते हैं। ओके, जितने भी कंडेंस है ये सारे थोड़े मतलब लाइक विदाउट कंडेंस है। अब मेरे ब्लेजमत में भी वही दिक्कत है, बट आई गेस संभाल लेंगे, ठीक है संभाल लेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलो ट्राई करता है, मैं राइट नाउ मक्कारी के ऊपर बैठूंगा। लेट्स समन शीश, कम ऑन गाइस, चलो जाओ। ये बाप रे लेग मार रहा है। Come on, come on. अरे यार ये सी कवरफुल डिप्रेस क्यों है? Come on, अटैक नहीं हो रहा क्या? आओ, मेरे को क्यों मारा? जब तक मेरे वाले कुछ नहीं कर रहे, मैं कर लेता हूँ कुछ। ये विक्सन मेरी अभी भी कहीं पे नीचे पड़ी है, गैस कहाँ पड़ी है? किधर है? पता नहीं, दिख नहीं रही है अभी, उठानी पड़ेगी, रुक जाओ। ओके गाइस, मारो यार, क्या कर रहे हो? मेरा स्टेमिना खत्म हो गया। वो देख उधर क्या कर रहा है। अरे कहाँ जा रही है? हैं जी, नाइस, बेहोश हो गई। कम ऑन, मैं भी अटैक करेगा। लेट्स गो, कम ऑन, मेरा स्टेमिना खत्म हो गया। ये देख रहे हो, ये सब लोग अभी भी इधर पड़े थे, मैंने इन्हें को उठाया नहीं था क्या? ये इनविजिबल कैसे है भाई? मैं डरा दिया, क्यों अटैक कर रही है मेरे पे? उन पे करना क्या, डर लग गया क्या? मार नहीं पा रही क्या? ओ ये, कम ऑन कम ऑन गाइस, यू कैन डू दिस। ओ शिट, मेरे को मारा। वो मेरा अटका पड़ा है, वो मेरा जेट ड्रैगन अटका पड़ा है उधर। 184 की एचपी है अभी भी। नाइस, फिर से बेहोश। कम ऑन, आई गेस मैं उतर जाता हूँ।
मेरे को बदलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है? आइए अभी ये बदलेगी। और नो नो नो, तोड़ मत दे उसको। ओके चेंज हो रही है। ओह आई एम फ्रीज, कम ऑन माय ब्लेस्ड वॉच। ओह कम ऑन, रुक जाओ। Can I my blazer mask do this? The dragon बिठा ले मेरे को। भाई blazer mask तो मर रहे। Come on यार, भाई मेरे को रुक जाओ, उतर के मेरे को भी fight करनी पड़ेगी इनके साथ। Little bit it's hard. भाई मेरे सारे blazer mask मर गए। मैं भी मर गया। ब्रो इट्स नॉट अ इजी फाइट, मेरे को कुछ और भी करना पड़ेगा। या तो ये बहुत ही ना कंजेस्टेड एरिया है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। आउच आउच, अरे रुक जा भाई। अरे 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 बचा ले रे देवा। व्हाट द हेक इज दिस ब्रो, लिटरली 34 एचपी दिए। हेलो, कम ऑन चेंज करो, मैं मर जाऊं तो चलेगा पर ये चेंज करो। जेट ड्रैगन तुम ही हो सहारा, ये डिक्ट्रेस मेरे पार्टी में आ रहा। कम ऑन कम ऑन, व्हाट द हेक इज दिस मैन, ऐसे कौन पकड़ता है मेरे को। 15,000 guys, come on, come on! Hey! कहाँ से मारा मुक्का? Come on! Come on! भाई यार ये तो बंदी नहीं होती। 5,000 है guys, मारो इसको यार, क्या कर रहे हो? Let's go! बसड़ मच गई इधर, लिटरली भाई मेरे को लग रहा है अल्ट्रा में मेरी गजब वाली वाट लगने वाली है, लिटरली सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। इन सबको हटाओ, ये देख रहे हो मेरे सारे ब्लेजर मत ऑलमोस्ट मर गए यार। जेट ड्रैगन तो ठीक है थोड़े कम मरे, बट ब्लेजर मत ज्यादा मरे मेरे, लाइक ऑलमोस्ट सारे ब्लेजर मत मर गए एक को छोड़ के। मेरे को अभी ब्लेजर मत को आधे को स्ट्रॉन्ग करना है, वो मैं कर दूंगा। मेरे को खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तुम लोगों ने बोला था वो क्या बोलता है वो पिल लेनी है मेमोरी वाइपिंग वाली, तो वो मैं करूंगा। अभी मेरे को मिला क्या है, अभी मेरे को मिला है स्टाउट फ्रूट, प्रीशियस फ्रूट दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, स्लाइटली इंक्रीज पैल डिफेंस। वो दैट्स ग्रेट, मैं इनमें से किसी का भी पैल डिफेंस भी बढ़ा सकता हूँ, दैट्स ग्रेट भाई। अभी सारा सामान मैं ना इसके अंदर रख रहा हूँ, ये अंडा तो मैं ओपन करूंगा फटाफट से, वो वाले बेस पे चलते हैं, ये वाला एक एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है? बट हाँ रियली बोल रहा हूँ, बहुत ही हार्ड होने वाला है बेलन और लिब्रो अल्ट्रा से फाइट करना, लेट्स सी हम जीत पाते हैं कि नहीं। अभी फटाफट फटाफट इसको ओपन करो। ओ ये बेलन और लिब्रो, किधर 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 है? ओ इधर ही है। अरे यार दोनों फीमेल, ठीक है कोई ना चलेगा, इसको भी अभी हटाओ। तो गाइस आई होप आपको इस एपिसोड में मजा आया होगा, हमने 15 अपने स्ट्रॉगेस्ट ब्लेजमेट बनाए, जिनका अभी इनहेंस करना बाकी है वो स्टैचू में, वो मैं अभी सोल्स लेने जाऊंगा ऑफलाइन में, वो मैं कर दूंगा। बट या वी आर रेडी आई गेस, वैसे तो मुश्किल है बेलन और लिब्रो अल्ट्रा को हराना, बट हम थोड़े ना ओपन एरिया में जाके ट्राई करने वाले, ठीक है? तो ताकि हम इजिली भाग पाए, क्योंकि इधर हम ना भाग ही नहीं पा रहे थे, लिटरली मर जा रहे थे। एंड खुद को भी हम पावरफुल करेंगे, लाइक अपने अटैक में स्टेट्स थोड़े से ज्यादा डालेंगे, हेल्थ थोड़ी सी, हेल्थ तो वैसे भी ठीक है बट अटैक में डालेंगे, वर्क स्पीड वेट एंड उन सब में जलने की जरूरत नहीं है। तो मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में, अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।